अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ पंजाब के साथ मैं हूँ साइमा सहर। नाज़रीन, आज हमारे पास हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट आए हैं और इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पे किस सिलसिले में आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो बताइएगा कि कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह खलील रहमान साहब काफ़ी पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के राइटर हैं। उन्होंने का एक इवेंट था, टाइगर शाह साहब उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे थे और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था। और मैं आपको बताता चलूँ, टाइगर शाह साहब जो हैं वो एक मीडिया पर्सन हैं और मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ। मैं मुझे उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ की जितने भी अरेंजमेंट्स हैं मीडिया के कोऑर्डिनेटर वो आपने करनी है, तो मैं यहाँ का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इसके अलावा मेरा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है अपना, उसके ऊपर मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बना के अपलोड करता रहता हूँ। मैं एक व्लॉगर भी हूँ और पाकिस्तान का पहला स्पेशल पर्सन रैप स्टार भी हूँ। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी मल्लू डिसेंट फौरी तौर पर, वो आपने सबने जरूर विजिट करना है। उसके ऊपर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पड़े हुए हैं, वो आपने देखने हैं और उनको शेयर भी करना है। इंशाल्लाह ज़रूर। तो सर, जो यहाँ पे आए हैं, मतलब कि जो आप आहज हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, जो व्हीलचेयर पर्सन है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या वो कुछ कर नहीं सकते, आप एक मरतबा बाहर निकलें। आपकी हेल्प करने के लिए हज़ारों लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। आप एक मरतबा घर से बाहर क्यों निकलें? जैसे मैं निकला हूँ, मैं आज माशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, शोबिज़ पर्सन भी मुझे जानते हैं, मीडिया पर्सन भी मुझे जानते हैं और काफ़ी उनको मैं यही मैसेज दूँगा, आप अपना सोशल अकाउंट्स बनाएँ, फेसबुक पर बनाएँ, यूट्यूब पर बनाएँ, अपनी शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड किया करें। आजकल टिकटॉक बहुत फेमस है, टिकटॉक के ऊपर अपनी जो भी सलाहियत हैं, जो भी आप काम करते हैं उसको बना के अपने चैनल पे लगाया करें। ओके सर, वो स्पेशल जो बच्चे हैं उन्हें लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? हाँ, ये अच्छी बात आपने पूछी है। जो उनको लोग हमदर्दी की निगाह से देखते हैं, हमदर्दी की निगाह से बिल्कुल भी ना देखें। आप उनको एक डिफरेंटली एबल समझें। डिफरेंटली एबल का मकसद ये होता है कि जो लोग जो चीज़ एक आम पर्सन एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, वो एक स्पेशल पर्सन क्यों नहीं कर सकता, और जो एक स्पेशल पर्सन कर सकता है वो एक नॉर्मल पर्सन क्यों कर सकता। ऐसे ही जो चीज़ हम कर सकते हैं वो नज़र आनी चाहिए। जो आप करते हैं वो तो नज़र आती है, लेकिन हमारा काम नज़र नहीं आता। मैं यही रिक्वेस्ट दूंगा कि हमें आप डिसेबल या मजदूर मत समझें, हम भी अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।